हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो ले रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये IRCTC टिकट कैंसिल रूल्स के बारे में, ठीक है। तो आपने कोई भी ई टिकट कराया हुआ है IRCTC के थ्रू और उसे आप कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आज मैं उसके बारे में ही बताऊंगा कि आपको किस टाइम पे कैसे और किस तरह से कैंसिल कराने पे कितना रिफंड प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स ये जो कैंसिलेशन रूल्स हैं ये डिपेंड करता है कि कैंसिलेशन ऑफ टाइम, बर्थ एंड नेचर ऑफ टिकट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और IRCTC टिकट कैंसिलेशन की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IRCTC के जो टिकट कैंसिल होता है उसका एक फिक्स टाइम है, वो 12:20 AM यानी कि नाइट 12:20 से 12:20 AM से आप 11:45 PM तक कैंसिल करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये IRCTC का टाइम है, ऑनलाइन आप इस टाइम पे कैंसिलेशन करा सकते हैं। और रिफंड कैसे मिलेगा, एक्चुअली रिफंड तो आपको ऑनलाइन आपके अकाउंट पे ही आएगा और ये डिपेंड करता है पूरा बैंक के ऊपर कि आपका बैंक किस प्रकार से और कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए, हो सकता है तीन दिन लग जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारा का सारा बैंक पर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि AC3 का आपने रिजर्वेशन करा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, और आप इसे कैंसिल कराना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप AC3 का कोई रिजर्वेशन जो कि कन्फर्म है और उसे आप कैंसिल करा रहे हैं 48 घंटे से पहले, यानी कि दो ट्रेन छूटने से दो दिन पहले से अगर आप कैंसिल करा रहे हैं तो आपके ₹180 पर पैसेंजर प्लस GST आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे दो पैसेंजर हैं तो ₹360 ओके प्लस GST, तो पर पैसेंजर जितने होंगे ₹180 के हिसाब से आपके काट लिए जाएंगे। और यदि आपका टाइम जो है वो 12 से 48 घंटे के बीच में है, ओके 12 से ट्रेन छूटने के 12 से 48 घंटे के बीच में आप कैंसिल कराते हैं तो आपका जो टिकट है उसका 25% काट लिया जाएगा प्लस GST, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि ट्रेन छूटने से 4 घंटे से 12 घंटे के बीच में आप कराते हैं तो आप मान के चलिए आपके 50% जो है टिकट चार्ज पूरा आधा कट जाएगा, ठीक है प्लस GST। बट यदि आपका AC का टिकट वेटिंग में है, ठीक है, तो ये अगर चार्ज निकलने के बाद भी सीट कंफर्म नहीं होती और आप वेटिंग लिस्ट में ही रहता है आपका टिकट, तो ये सारा का सारा जो है अपने आप ही कैंसिल होके आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अब बारी आती है AC2 की। तो AC2 का जो है वो अगर आप 48 घंटे पहले यानी कि दो दिन पहले, ट्रेन छूटने के दो दिन पहले आप कराते हैं तो ₹200 आपके पर मेंबर कट जाएंगे प्लस GST, ओके। और यदि 12 से 48 घंटे के बीच में कराते हैं तो वही 25%, और यदि 4 से 12 घंटे के बीच में कराते हैं ट्रेन छूटने के से पहले तो आपके 50% कट जाएंगे, ओके। और यदि टिकट वेटिंग में है तो अपने आप टिकट कैंसिल होकर आपके बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ओके। और यदि AC1 का है, AC1 या एग्जीक्यूटिव क्लास है, तो आपके ₹240 पर मेंबर कटेंगे यदि आप दो दिन पहले यानी कि 40 हावर्स से पहले आप कैंसिल कराते हैं तो ₹240 पर मेंबर कटेंगे प्लस GST। और 12 से 48 घंटे के बीच में 25% और 4 से 12 घंटे के बीच में आपके 50% और कैंसिल है तो अपने आप बैंक में पैसा आ जाएगा ₹60 माइनस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपका स्लीपर का टिकट है तो वही 48 घंटे पहले आपके जो ₹180 पर पैसेंजर कटेंगे और प्लस GST, और यदि 25% 48 से 12 के बीच में और 4 से 12 के बीच में 50%, बस ये सारा का सारा स्लीपर का। यदि आफ्टर चार्ट प्रिपेयरिंग अगर आपका जो है रिजर्वेशन वो वेटिंग में है तो ये मान के चलिए कि आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, ओनली क्लरिकल चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो ₹60 के आसपास जो भी होंगे वो कटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि चार्ट प्रिपेयर होने के बाद कुछ सीटें वेटिंग में है, कुछ RAC में है
और आप इसे ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले इसे कैंसिल करा लेते हैं तो मान के चलिए आपका पूरा रिफंड उसी तरीके से आ जाएगा, प्लस बस जो है क्लरिकल चार्ज कटेगा। और यदि आपका सीट कंफर्म प्लस आरएसी में तब भी यही रूल है, ठीक है। और यदि आप इसको 30 मिनट बाद कराते हैं, यानी कि ट्रेन छूटने से 30 मिनट के बीच में, ओके फ्रेंड, तो आप मान के चलिए आपको बिल्कुल भी रिफंड नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड, जो भी आपको ये कैंसिलेशन कराना है वो 30 मिनट पहले कराना है ट्रेन छूटने के, ठीक है, 45 मिनट एक घंटे के बीच में इस तरीके से कराना है। यदि आपके 20 मिनट या 10 मिनट बचे तो आपको बिल्कुल भी रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारी की सारी मैंने आपको ई टिकट के बारे में जानकारी दी है, बट अभी मैंने आपको तत्काल के बारे में नहीं बताया। ओके फ्रेंड्स, तो तत्काल का ये रूल है कि अगर आपने तत्काल में रिजर्वेशन कराया, सबसे पहले तो तत्काल जो रिजर्वेशन होता है वो 24 घंटे पहले ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो आप अगर आपका कंफर्म टिकट है और आप इसे कैंसिल करा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको ₹1 वापस नहीं मिलेंगे। ओके, नो रिफंड। और यदि आपका वेटिंग में है, ठीक है, वेटिंग में है तो ये तो अपने आप ही मतलब कैंसिल हो जाएगा, या आप कैंसिल भी कराते हैं तो आपको पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, पैसा आपको वापस आ जाएगा। लेकिन अगर सीट कंफर्म है तो मान के चलिए और आपने कैंसिल करा लिया तो आपको ₹1 वापस नहीं मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको बता दूं, फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको चार्जेस और जो रूल्स बताए ये आज अगस्त 2019 का बिल्कुल अपडेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की तारीख में अगर आप ऐसा कुछ कराते हैं तो यही चार्जेस हैं, यही रूल्स हैं, सब कुछ। यदि आगे कुछ अपडेट होता है, कुछ चार्जेस में कुछ चेंजेस आते हैं या किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस आते हैं तो मैं अपडेट करता रहूंगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट में अगर इसके अलावा आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं चार्जेस के बारे में, किसी अपडेट के बारे में कि आज की अपडेट क्या है, तो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा लेटेस्ट अपडेट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जहां तक मुझे पता था वो कोशिश मैंने पूरी करी कि आपको पूरी नॉलेज दूं। अगर फिर भी कुछ चीजें रह गई हैं या कुछ आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो, तत्काल रिजर्वेशन कैसे कराना है, कितनी तेजी से कराना है और भी बहुत से वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।